ये देखो इतनी प्यारी प्यारी मछलियां यहाँ पे। पहाड़ों पे आए और पहाड़ों का पानी ना पिया तो मजे की बात है यार। यहाँ बालों में पूरी मिट्टी घुस गई है, आलू भी डाल देंगे। कहाँ पहाड़ों से यार, दिल्ली में आ रहा है ट्रैफिक में। अरे वीडियो चालू हो गया। तो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय वीडियो। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो है ऋषिकेश का कैंपिंग का पार्ट टू है, इसमें आज कुछ खास होने वाला है। आज हम करेंगे कैंपिंग। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट वन को जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पार्ट वन में हमने रिवर राफ्टिंग करी थी मेरे साथ मुबारक। मुबारक भाई, रिवर राफ्टिंग में कैसा लगा था? बढ़िया भाई, मजा आ गया। और अभी हम जा रहे हैं नीर वाटरफॉल। 26 मिनट का रास्ता है और 5.6 किलोमीटर है। इसके बाद हम जाएंगे अपनी कैंपिंग लोकेशन शिवपुरी। शिवपुरी से ना भाई, शिवपुरी पे जाएंगे अपनी कैंपिंग लोकेशन। टाइम हो रहा है, टाइम बताना हमारे को एक बारी। टाइम हो रहा है 3:08, फटाफट से पहुँचते हैं नीर वाटरफॉल। वहाँ पर नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद भोजन वोजन करके चलेंगे अपनी कैंपिंग लोकेशन पे। और चैनल पे नए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑन कर देना। फटाफट से पहुँचते हैं नीर वाटरफॉल। तो गाइस, हमें पता नहीं था नीर वाटरफॉल की टिकट रखी है। अभी मुबारक गया टिकट ले लिया, तो 30 रुपये की टिकट है पर पर्सन की, इंडियन की, और फॉरनर की 50 रुपये। तो भाई नील वाटरफॉल में टिकट लगती है 30 रुपये पर हेड टनल की। ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है भाई, जो भी आओगे कैश लेके आना। दिक्कत हुई बड़ी, एक भाई से उधार लिए और उसको दिए भी नहीं, अब देने पड़ेंगे थोड़ी देर में। फ़ोन पे जैसे चलेगा वैसे देंगे और आपको आगे दिखाते हैं वाटरफॉल के नज़ारे। अरे बताओ, यहाँ पे नेट नहीं चल रहा था? नेट तो चल नहीं रहा यार, फ़ोन पे भी नहीं चल रहा। नेट चलेगा, उनको पेमेंट करनी है वापस। अब कर देंगे यार, नंबर ले लिया उसका बंदे का। तो गाइस, फाइनल नीर, क्या है नीर फॉल, नीर वाटरफॉल पहुँच चुके हैं। और अभी दिखाते ऊपर जाके, कपड़े वपड़े उतारते हैं, थोड़ा नहा लेंगे। 30 रुपये ज़्यादा की बजाय टिकट लगी है, जब टिकट लगी है तो यार नहाना तो बनता है ना। फटाफट जाएंगे नहाएंगे और फिर खाएंगे और फिर शिवपुरी पहुँच जाएंगे, ठीक है। और फिर कह रहा हूँ वीडियो को लाइक करो, कैंपिंग का कार्य वहाँ देखा पड़ा, कैंपिंग भी करनी अपन लोग को, ठीक है ना। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करें। तो गाइस, शिवपुरी जा रहा है, 14-15 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। और टाइम बताना हमारे को एक बारी, पूरे 5 बज चुके हैं और 14-15 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, और 8.5 किलोमीटर ना। और जिस भाई से हमने पैसे लिए थे नीलगिरी वाटरफॉल जाने के लिए, वो पेमेंट हमने वापस कर दिए भाई को, ठीक है, फोन पे वापस कर दिया हमने। और फटाफट पहुँचते हैं शिवपुरी, ठीक है। और शिवपुरी पर हम लेंगे, वीडियो लाइक कर दो और कैंपिंग करेंगे यार, पूरा इन्जॉय आएगा। पूरी रात हम अकेले रहने वाले कैंपिंग पे, ठीक है। और फर्स्ट टाइम कैंपिंग यार, एक्साइटमेंट आया बहुत ज़्यादा, ठीक है। फटाफट कैंपिंग में पहुँचे और कैंपिंग करेंगे फटाफट। तो गाइस, 6:19 हो रहा है और लोकेशन हमने ढूंढ ली यार। मतलब नदी तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत चलता हुआ पानी है। बाकी लोकेशन आप देख सकते हो, प्यारी लोकेशन है। मतलब पत्थर पत्थर यार, कमर्शियल एरिया है थोड़ा। और वो जो आपको टेंट दिख रहे होंगे वो सारे प्राइवेट टेंट होते हैं, जो आपके 1500-1500 चार्ज करते हैं। बाकी इधर भी टेंट है और अपना सेटअप ये रहा। और यहाँ पर अपनी बाइक खड़ी करेंगे और वहाँ पर अपना टेंट सेटअप करते हैं और आपको दिखाएंगे फटाफट से। यार अंधेरा हो जाएगा, इससे पहले टेंट सेटअप कर लेते हैं हमारा भाई। तो गाइस, 6:30 हो रहा है, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे यार। सिनेमैटिक शॉट दिखाएंगे कैंपिंग का सेटअप करते हुए, क्या ही दिखोगे, ठीक है। सिनेमैटिक शॉट ले लेते हैं फटाफट से, कैंपिंग सेटअप करते हैं, मैं और मार्क मिलते हैं। इसमें कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ और मुबारक भाई जो है लाइटिंग की सेटअप कर रहे हैं बाहर की तरफ से। मुबारक भाई जल्दी करो यार, देखो अंधेरा कितना हो गया है, ठीक है। लकड़ी वकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं, बाइक अपनी खड़ी कर चुके हैं और अभी कुर्सी उर्सी सेटअप करके यहाँ मस्त आग जलाएंगे और देखते हैं क्या बना। मैगी बनाएंगे ना, मैगी बनाएंगे। और पानी का आवाज़ सुना, क्या प्यारा लग रहा है ना। फटाफट से लकड़ी इकट्ठी कर लेते यार, और जलाने का तरीका बताऊँगा अगर आप पे पेट्रोल वेट्रोल नहीं है तो कैसा जलाना है ना। तो गाइस, 7:30 हो रहा है और अपना टेंट जो है सेटअप हो चुका है, देख सकते हैं आप।
अभी लाइटिंग वाइटिंग बंद कर रखी हमने और कुर्सी लगा के दोनों भाई बैठे हैं मुबारक और मैं, और थोड़ी देर बाद जो है कुछ दिखाएंगे, मतलब लाइटिंग वाइटिंग जब चालू करेंगे टेंट की और कुछ बनाएंगे रात में जब आपको दिखाएंगे ना, अभी थोड़ी देर हम बैठ के गप सप लड़ाते हैं, थोड़े मजे वजे करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे जब कुछ बनाएंगे रात में ना, और टेंट देखने के बाद कैसा लग रहा है। तो गाइस 7:50 हो रहे हैं और मुबारक कह रहा है मैं कुछ नहीं खाऊंगा यार, और मेरी भी हालत बड़ी डाउन डाउन सी हो रही है यार बहुत ज़्यादा। ठीक है, पानी का सोर्स आप सुनोगे, पानी दिखाई बड़ी दिख रहा है क्या, पानी नहीं दिख रहा, दिखा दो एक बारी। मुबारक तो खाने के मना कर रहे हैं यार, मैं यार बहुत सारा आइटम देख रहा था, चिली पनीर बनाएंगे, मैगी बनाएंगे, पोहा बनाएंगे, लेकिन ये अभी कुछ नहीं, मेरी भी हालत ख़राब हो रही है। दो मैगी की पैकेट बनाते हैं, यप्पी नूडल्स हैं, थोड़ी थोड़ी खा लेंगे और खा पी के फटाफट सोएंगे। यार टाइम कितना हो रहा है, 7:30, क्योंकि दो रात में हम सोए नहीं है यार, गाड़ी चलाते हुए आए और थक गए। फिर रिवर राफ्टिंग में तो यार, रिवर राफ्टिंग वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी ना, कुछ एक अलग वीडियो बना के डालूंगा, वो तो आपने देखी होगी पार्ट 1 में, लेकिन पूरी अगर वीडियो डालूंगा क्या क्या हुआ पूरी 10-15 मिनट की उसको देना। ठीक है, फटाफट जब मैगी बनाता ना। तो गाय थी अपना गैस स्टोव यार, इसमें सिलेंडर सेट करते हैं, सिलेंडर सेट करते हैं यार इसके अंदर। तो गाइस घर से ना प्याज टमाटर सब कुछ लेकर आते, लेकिन यार क्या बताऊँ हालत है, यहाँ तक गर्म लग रहा है तेज है, अब क्या बताऊँ। और एक बात और यार गाइस, अगर आप कभी भी कैंपिंग करते हो ना, तो आप पूरा यार फेंकना मत, अपने साथ लेके जाना, आप हाथ जोड़ के विनती यार, देखो नेचर को सुरक्षित रखो, साफ सुथरा रखो, क्योंकि आप घूमने आओ और आपको गंदगी मिले तो कोई कैसा लगेगा। इसको सारी पैकेट हम देखो इसमें डाल दे, वापस हम लेके जाएंगे अपने साथ दिल्ली लेके जाएंगे ना, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखा करो इस बात का। मतलब यार, मतलब प्याज टमाटर डाल के सब कुछ मिलकर बना सकता था, लेकिन अभी नॉर्मली बनाने का मन कर रहा था, टाइम नहीं है क्योंकि थके हुए बहुत ज़्यादा है। तो गाइस मुबारक भाई तो मैगी खा नहीं रहे, मैंने सोचा प्लेट क्यों गंदी करे, पानी क्यों वेस्ट करे, हम पतीले में ही खा लेंगे यार। अरे यार गर्म कितनी आ रही है, हाथ में नहीं आ रही है तो, अरे मुझे लिया गाइस, अब तो लाइक करना पड़ेगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और यार पहली कैंपिंग थी, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था, पर थके हुए इतने ना कि इंजॉय नहीं कर पा रहे, मतलब सजा सी लग रही है हमारा भाई कि रात में सोना है सोना है। अच्छा मारक भाई, और कैमरा अपनी तरफ घुमाओ, आप रात में कैसे सोओगे, मतलब कैसी फीलिंग आएगी, जो सच्ची बताने से कोई ईमानदारी की डर वाली। मुझे तो डर लगता नहीं, एकदम आराम से सोऊंगा भाई साहब, मुझे डर लगता है भाई, तू भाई साहब इतना बड़ा झूठा है, ये इतना बड़ा झूठा है, इतने भी छोटे से पैर उठे कि मेरे को डर लगेगा। मैंने कहा मेरे को तो लगता नहीं है, मैंने कहा किस चीज़ का, भूत का, कह रहा नहीं, मैंने कहा किसका, कह रहा जानवर होगा, मैंने कहा हम खुद ही जानवर है भाई साहब, आने तो कौन सा जानवर आएगा। हाँ वैसे इस साइड अभी थोड़ी अपने जान पहचान थोड़ी पता करी थी, मैं बताया गया मुबारक यहाँ पे अपन खाना खाते ढाबे पे, तो वहाँ बताया गया यहाँ पे हाथी वाथी आते रहते हैं थोड़े, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हाथी मेरा साथी है, देख लेंगे जो भी देखी जाएगी ना। चलो अब मिलेंगे मैगी खाने के बाद, सीधा सीधा कैंप के अंदर। गाइस मैगी तो खा ली, तो टाइम बता दो मारो भाई एक बारी, टाइम हो रहा भाई 8:18, 8:18 हो रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ यार, जब भी आप खाना खाओ और कैंपिंग कर रहे हो, चाहे अकेले हो चाहे ग्रुप में हो चाहे जितने मर्जी लोग हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक काम हमेशा करना है, खाने के बाद अपने बर्तन को अच्छे से धोना है, नहीं तो जंगली जानवर सुन कर मतलब क्या बोलते, जंगली जानवर सुन कर आपके टेंट के आसपास आ सकते हैं। और कोशिश करें नॉनवेज तो ना ही बनाए, और इधर आओ गंगा जी में आपको मछलियाँ दिखाता हूँ, छोटी छोटी मछलियाँ, आओ भाई साहब दिखाओ हमारी की मछली, दिखाओ हमारी, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ यहाँ पे दिख रही है वीडियो में, ऐसी बहुत सारी मछलियाँ गाइस यहाँ पे। तो गाइस थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठी करिए और बोनफायर जलानी है, ठीक है, बोनफायर जलाने के अपने पास जो है मतलब पेट्रोल या कुछ नहीं, जैसे कि मैंने आपको बता रखा हूँ कैसे लेना है, इधर आ जाओ मेरे साथ एक बार, मेरे को याद दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि नई गाड़ी से पेट्रोल तो निकलता नहीं है ना, ये देखो एक ट्रिक दिखाता हूँ मैं आपको, एक आपको डंडी ले लेनी है, आपको अपना टैंक खोलना है फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक खोलो और
इसको अंदर बिल्कुल डिप कर लो, और ये देखो बिल्कुल ही ठीक है भाई साहब, अब हो जाएगा जुगाड़। कुर्सी लगा के अब दो चार मिनट हाथ पर गर्म करेंगे, क्योंकि रात में शायद ठंड भी लग सकती है भाई, नदी किनारे ना भाई, और फिर चलेंगे सोने के लिए यार फटाफट से, थके हुए बहुत ज़्यादा है, कल सुबह सुबह निकल जाएंगे यार। जैसे कि मैंने आपको बताया था देहरादून मसूरी जितनी भी जगह थी सबका प्लान जो है कैंसिल हो चुका है, अब जो है अभी जैसे हमने आग थोड़ी देर में जल जाएगी। और गाइस ये जो प्लेट्स है ना, आप बोलोगे कि प्लास्टिक जला रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है, हमारे भाई प्लेट से कहाँ से मिली है, ये यहीं पड़ी हुई प्लेट्स थी। और हम तो यहाँ पे कई कूड़ा हमने देखो उधर अगर आपको दिख रहा हो तो हमने सिर्फ दो बैग ही बनाई, बाकी कई कूड़ा उठा के अपने पैक भी कर लिया अपने साथ जो यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो गाइस अपनी बोन फायर, ये मुबारक भाई वो अपना कैंपिंग टेंट, इधर अपनी गंगा मैया बहती हुई, और इधर तुम्हारा भाई कमेंट्री करता हुआ आ गया मुबारक भाई मेरे वीडियो में, ठीक है। और जल्दी अपने आगे मस्त आनंद लेते हुए। तो गाइस फाइनली यार सोने के लिए जा रहे हैं, सामान वन पैक करते अपना ना, देखो सब कुछ हमने गंदगी वंदगी साफ कर दी, अपनी आग जो थी वो बुझा दी बिल्कुल सारा ना, सबको रखो यार फटाफट स्पीड में करो यार, नींद आ रही है बड़ी तेज वाली, ले जानी है तो ले जाओ यार, वैसे छुपा दो नीचे जैसे मैंने डाली ना, नीचे के डाल दो। हाँ तो गाइस बस गुड नाइट बाय बाय, लेकर आओ कहाँ जा रहे हो, हाँ सामान तो चेक कर लिया आप रखो ना। तो गाइस 9 बज चुके हैं रात के, अब फटाफट से सोते यार, ठीक है हमारे भाई गुड नाइट शुभ रात्रि, सोते और सुबह मिलेंगे अब सीधा, ठीक है। हम ऐसे झूठी वीडियो नहीं बनाएंगे, हमारे कैंप में शेर आ गया, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आएगा जब भी देखी जाएगी, नहीं आएगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लोग इधर झूठी वीडियो नहीं बनाएंगे, सुबह मिलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो गाइस 7:10 हो रहे हैं, और उठ तो हम बहुत पहले गए थे, मतलब क्या कह रहे हो, आग देख के लग रहा है वे भी उठे, नहीं नहीं उठ के सोए, उठे सोए, उठे सोए कई बार ऐसे करा। तो अभी बाहर निकलते हैं, थोड़ी रील वील शूट करेंगे, और अपना मैगी और पोहा दोनों साथ में ही बना लेंगे, क्योंकि अब हमें निकलना है घर, हमने सोचा पूरा पेट भर के खाएंगे पिएंगे और फिर घर निकल जाएंगे। प्लान तो बहुत कुछ है रात में, लेकिन थक बहुत ज़्यादा करते, प्लान था हमारा, हम रोबजा की पैकेट लेकर आए थे, कॉफ़ी की पैकेट लेकर आए थे, हमने कहा कोल्ड कॉफ़ी बनाएंगे, मतलब कोल्ड कॉफ़ी कैसे बनाओगे, बर्फ़ तो यानी बिना बर्फ़ के बना लेते यार, ठीक है। और रोबजा बनाते, दूध मिलानी, पनीर मिलानी, मतलब मिला था लेकिन बहुत दूर थी मार्केट, लेकिन हमने कहा फिर है ना भाई जो है उसी से खा पी लो, रात में जो हमने खाया था पेट भर गया था, ढाबे में मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था, बस भूख लग रही थी फटाफट खा पी निकल गए, ठीक है। खाने की थोड़ी सी क्लिप ले ली थी बस मैंने, तो बनाएंगे रील बनाते यार। और प्लीज़ यार जो ये वीडियो देख रहा ना, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है, पहली बार आईफोन से वीडियो शूट हो रही है, क्या पता पहली और आखिरी होगी आईफोन वाली, मतलब ठीक है। उसके बाद तो अपने गरीब वाले फ़ोन पे आ जाएंगे यार, ठीक है, मांग के लाया था अपनी बहन से। तो रील वील बनाते हैं और दिखाते फिर आपको ना, आगे नज़ारे भी दिखाएंगे आपको फिर सुबह के नज़ारे कैसे। तो गाइस सब बैठे हैं, पोहा वो बनाते हैं, पानी भर जाओ यार, पानी का एक बार रंग देखो यार, मार्ग भाई कितना साफ है, वैसे जो अपने वहाँ जो यमुना जी उसका पानी साफ होता है, कितना अच्छा लगता है ना, देखो कितना साफ पानी यार, क्लियर है। और आपसे फिर विनती करूँगा यार, प्लीज़ गंद मत फैलाया करो ना। तो पोहा बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, अब फटाफट से काम चालू करते हैं यार, ठीक है। सारा सामान लिया है बाहर, सबसे पहले पोहे को धो लेते अच्छे से, मतलब धोना मतलब भिगो लेते पानी में, और देखते और कुछ सामान तो नहीं ना, अब चलो फटाफट चालू करते हैं, और आप देखना कैसे कैसे बनेगा ये। तो गाइस प्याज अपने कट चुके हैं, और सबसे पहले पोहा बना लेते क्योंकि मैगी तो ठंडी हो जाएगी, पोहा तो यार ज़्यादा मरीज चलता है। नट क्रैकर्स भी लेकर आए पोहे में डालने के लिए ना, तो फटाफट से बनाते हैं यार, ठीक है। और ये जो कूड़ा आपको दिख रहा है ना, चिंता मत करो, वीडियो में लास्ट में दिखाऊंगा, मुबारक ही डालेगा पन्नी में, मैंने इसको पन्नी दिया अभी डाला, लेकिन डाल के ले जाएंगे, चिंता मत करो, कूड़ा में फेंकेंगे नहीं। वैसे लोग प्याज और आलू के छिलके छोड़ सकते हैं क्योंकि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन पर फिर भी हम इनको लेकर जाएंगे अपने साथ, कहीं डस्टबिन दिखेगा वहाँ पर डाल देंगे ना, कुछ छोड़ना नहीं यार, पूरी साफ़ सफाई रखो, अगर हम ही नेचर का ख्याल नहीं रखें तो नेचर हमारा ख्याल कैसे रखेगी ना। तो फटाफट से चालू करते हैं ना बनाना, भाई बनाएंगे मैगी पागी थोड़ी यार, मैगी थोड़ी हमारे यार, क्या है ये है यप्पी नूडल्स, यप्पी है ये, आ गया भाई तेल, ये चलेगी अपना तेल, अगर आप ज़्यादा ले लूँ तो कर देगा आपके लीवर को फेल। हमारे भाई कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका,
बढ़िया था यार। मतलब ये है कि कैंपिंग में हम इंजॉय इसलिए नहीं कर पाए कि हम थके हो जाते थे ना, थके नहीं उतरे, सिर्फ कैंपिंग उतरे, फुल इंजॉय करते हम लोग। यहाँ बालों में पूरी मिट्टी घुस गई है, इतने प्याज चुके मैं क्यों डाल देंगे, आधे छोड़ दे, आलू भी थोड़े डाल देते, आलू भी डाल देंगे। टाइम ही नहीं है भाई, जो मिल रहा है वही खा लो। मेरे को पता क्या लगा, मेरे को लगा उतरती हम कैंपिंग कर लेंगे, इसलिए मैंने कहा एक मैं पुत्र को बोला नहीं पहले प्याज फ्राई होने से, कोई नहीं कैंपिंग है। गाइस ये देखो यार, मैंने प्याज आलू साथ में डाल दिया। अब आप लोग कई कमेंट करोगे, कोई बोलेगा कि साथ में डाल दे, मैंने प्याज को फ्राई होने देता फिर आलू डालता, यार टाइम नहीं बचा ना यार, दोनों साथ में फ्राई कर लेते ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं भाई, क्या चीज़ है ये, नमक गाइस ये अपना नमक डलता है, नमक ये तो ग्लास में लेकर आया कोई। अरे अरे देखो गाइस हुए हमारे गाइस, अभी ये बनाएगा मैगी और हम करेंगे आराम। वो खड़ी अपनी बुल्लो बुलेट और निकालने में यार बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, अभी कल देखना मेरे एक्चुअली पैर पे चोट लग गई है, अभी जब नहाने जाऊँगा ना, जब आपको दिखाऊंगा, कल एक जो भाई आ रखे थे ना, कल यहाँ पे खड़े थे, उनसे बातचीत चल रही थी, उनकी बाइक फंस गई थी, निकालने में दिक्कत आई और उनकी बाइक से पत्थर उछल के लगा मेरे पास पैर पे, और अपने सूझ लगा दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में जब नहाने चलेंगे। तो ये प्याज फ्राई होते हैं फिर आलू डालेंगे, फिर अपने ये पी के 3 पैकेट है इसको ले जाते हैं। मैगी के लिए केचप भी रखे अपने, वैसे केचप भी डालेंगे मैगी में, वैसे तो चिली पनीर के लिए लाया था पर कोई नहीं, इसी में यूज़ कर लेंगे ना। ये देखो यार रोफजा भी है अपने पास, मैगी मसाला है, ये क्या है चिली पनीर मसाला है चाइनीज का, ये रहे अपने नट क्रैकर जो पोहे में जाने वाले हैं, ये रहे अपने पोहे, मैगी, हमारा कैंपिंग टेंट और नज़ारे, और तुम्हारा भाई खाते पीते हैं, नहाएंगे धोएंगे सामान पैक, मतलब खाते पीते सामान पैक करते हैं फिर नहाएंगे धोएंगे फटाफट से निकलेंगे दिल्ली के लिए वापस। यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो, अभी नहाते हुए दिखाएंगे कैसे नहाएंगे और चोट दिखाऊंगा कैसी चोट लगी मेरी ना, तो फटाफट से खाते हैं। कैसे बनाए है? पोहा टेंट की कमर खोलते हैं गाइस फटाफट से, बस पहले सामान निकाल लेते बाकी टेंट खोल लेंगे आराम से ना। तो गाइस टाइम लैप्स चालू कर दिया, फटाफट से पैकिंग वैकिंग करते हैं और टाइम लैप्स देखो आप, ठीक है। तो गाइस सारा कूड़ा हमने उठा लिया है, तो ये अपना सारा कूड़ा आ चुका है गाइस, ये पैकेट में पैक कर दिया हमने, सिलेंडर विलेंडर फटाफट डालते हैं उसको अपने साथ ले चलेंगे। तो गाइस सामान सारा बाहर लिया है, सामान को फटाफट से पैक करते हैं फिर चलेंगे नहाने के लिए। टाइम लैप्स तो आपने देखा होगा, एंजॉय करा होगा, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना और फटाफट से पैकिंग करते हैं और चलते नहाने के लिए ना। तो गाइस और अपनी बाइक और बाहर निकालने में बड़ी दिक्कत आने वाली यार, क्योंकि थोड़ा वैसा रास्ता, और रास्ता तो मैं बना कर आया लेकिन ट्राई करते एक बार यार हमारे भाई। तो गाइस 10:22 हो रहा है और हम आ चुके हैं नहाने के लिए, पानी थोड़ा कम है लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा है, अब फटाफट से नहाते धोते हैं और निकलते हैं घर यार। बैग बांधना, बाइक हमने बाहर निकाल के खड़ी कर दी, फटाफट चलते हैं, ठंडा पानी है बहुत ज़्यादा, मारो भाई आराम से आना, आ जाओ काई है इसमें काई पैर को। हाँ तो बता भाई था भी एक बार नहीं पूछ लेना, 5 बार पूछ लो आज, तो बस नहीं नहीं भाई चल बे क्या कौन है यहाँ पे, आ जाओ गाइस क्या करें, कुछ है नहीं तो गिलास से काम चलाना पड़ेगा ना।
गाइस पहाड़ों पे आए और पहाड़ों का पानी ना पिया तो मजा ही किस बात का यार। ताजा ताजा झरने का पानी भरो एकदम। किसी फ्रिज की जरूरत नहीं है गाइस, एक नंबर पानी, ठंडा ठंडा बढ़िया पानी, मिनरल्स वाला पानी, पहाड़ों का पानी। 11 पूरे बज चुके हैं, फटाफट से बैग वैग बांधते हैं और फटाफट से अब निकलते हैं यार यहाँ से, बैग वैग बांध के। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, अब दिल्ली के निकलना सीधा। और रास्ते में कोई शॉप देखते हैं, दूध मिलेगा तो दूध लेंगे और कोल्ड कॉफ़ी, मतलब बिना बर्फ़ की कोल्ड कॉफ़ी बना लेंगे, रोबजा बना लेंगे ना, रोबजा के पाउच अपना रोबजा बना के पियेंगे बढ़िया से। फटाफट बैग पैक करके मिलेगी। तो गाइस हमने दूध की पैकेट खरीदी है और रोबजा बना रहा, चीनी डाल दी हमने और रोबजा का पैकेट अपना ये रहा जो कि हम घर से लेकर आए थे, और इसको पीते हैं थोड़ी ताजगी सी आएगी पी के। फटाफट निकलते फिर घर की तरफ, खड़ी पी बाइक और थोड़ा जो कूड़ा था वो दिखा दे रहा हूँ वहाँ से, फेंका नहीं लेकर आए उसको, यहाँ डब्बा इसमें डाल देंगे कूड़े को। मस्त आज भी आ गए गाइस, एक नंबर बनाए। टाइम हो रहा है 11:40, 255 किलोमीटर दिखा रहा है, 5 घंटे 38 मिनट, अब देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। तो गाइस 1:10 हो रहा है और हरिद्वार पहुंच चुके हैं, और अब यार ज़्यादा रोक रोक के वीडियो नहीं बनाएंगे बार बार ना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बैल का आइकन ऑन कर देना, और हेलमेट पहन के गाड़ी चलाकर हमने भी हेलमेट पहन रखा है। एक बार फिर देखने गुंगा मैं दर्शन कर लो, और हर की बॉडी दिखाते हो आपको बैक कैमरे से, फिर निकलते हैं सीधा यहाँ से, आगे जहाँ रुकेंगे वहाँ दिखाएंगे आपको। फिर भाई जी देखो हर की बॉडी, अब निकलते हैं सीधा और आगे पहुँच के मिलेगी जहाँ नहीं निकले। भाई 4:45 का सफर अभी दिखा रहा है, 218 किलोमीटर अपने दिल्ली जिन्हें पूरी का, ठीक है। अब निकलते हैं फटाफट से घर। तो गाइस 3:14 दिखा रहा है और 149 किलोमीटर और 2:45 अभी, और 2:45 हो रहे हैं अभी। मैं आपको बता दूं मतलब करीब 100-110 किलोमीटर नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई हमने, बिल्कुल नॉन स्टॉप चलाई, बस हरिद्वार में रुके थे बैग की चाली चाहिए थी ट्रिप लेने के लिए, उसके बाद हम कहीं रुके सीधे यहाँ रुके करने का जूस पीने के लिए यार। और देखो 15-20 मिनट आराम करेंगे क्योंकि हमें तो आराम नहीं चाहिए, लेकिन यार हमारी जान इसको तो आराम चाहिए ना, अगर जान बुरा मान गई तो हम घर कैसे जाएंगे ना भाई, इसको आराम देना है 15-20 मिनट को ठंडा होने देते हैं, और हम जूस पी के साइड में बैठेंगे अभी जाके, ठीक है। टिश्ती वाला जो जूस बनवा लिया जूस पीते हैं फटाफट से। तो गाइस 3:11 हो गए हैं, नहीं दिख रहा टाइम, कोई बात नहीं, मटे कोई नहीं, निकल रहे हैं बस, बाइक रेडी हो रही है, चार्जिंग लगा रहे हैं फ़ोन को, निकल रहे हैं यहाँ से फटाफट से। और कमेंट में आके हर हर महादेव जरूर लिख देना यार, मैंने बोला नहीं यार वीडियो में बता रहा मुझे, हर हर महादेव जरूर लिख देना, ठीक है। अब निकल रहे फटाफट से। तो गाइस टाइम हो रहा है 5:03 और 1:15 दिखा रहा है 54 किलोमीटर के। यार एक चीज़ देखो यार, मतलब बड़ा अजीब लग रहा है मतलब गाड़ी चलाने में 100 किलोमीटर के आसपास भी फिर गाड़ी चलाई है, डायरेक्ट अभी रुका है, गाड़ी जो है ट्रिप ऐप पे है 32 किलोमीटर 33 मान लो, ठीक है पूरा हो गया है, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया गाइस, मैंने ध्यान नहीं दिया, और गाड़ी चलाते गया भी एकदम से नज़र पड़ी यार, गाड़ी में तेल तो बिल्कुल ख़त्म है और ट्रिप पे गाड़ी चल रही है 32 पे, और अच्छा है मैं देख लिया, और सामने ही पेट्रोल पंप पे रुक गए, पेट्रोल डलवाते हैं, देखते कितने रुपये का आता है तेल, और करीब करीब हमारी गाड़ी जो है 2 फुल टैंक में कितनी चली है, 512 किलोमीटर चली है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो बुलेट कितना एवरेज देती है नई वाली मॉडल, चलते आप तेल वेल फुल कराते फटाफट।
तो गाइस 5:51 हो रहा है और करीब करीब 55 किलोमीटर है, 1.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। फटाफट से निकलते हैं, पेट्रोल बता भरा चुका है, आराम कर लिया, निकलते हैं फटाफट। अब रुकेंगे कोल्ड ड्रिंक ब्रेक के लिए छोटे से, फिर सीधा रुकेंगे दिल्ली। और अब इस वीडियो करते खत्म, उम्मीद आपको वीडियो मजा आएगा, मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, और मिलेंगे किसी प्यार वीडियो में। तब बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। हाय हाय यार, ये दिल्ली का ट्रैफिक यार, कहाँ पहाड़ों से यार दिल्ली में आ गए ट्रैफिक में। अरे वीडियो चालू हो गया, अरे अरे वीडियो बंद।